हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं लगभग। तो यार मैंने राइड उठा ली है भाई अपनी, और हमें जाना है भाई पहाड़गंज। ऊबर में राइड उठाई है भाई मैंने। मैंने कहा यार ऊबर करके देखते हैं यार, संडे है वैसे भी, संडे को ऊबर काम दे देता है। अच्छा बाकी देखेंगे, कोई बात नहीं भाई, 25 रुपये लेगा तो ले ले भाई, अब क्या करें, काम तो करना ही है ना। 25 रुपये दे के ऊबर में ठीक ठाक काम मिल जाए तो अच्छा है यार, पता तो चले भाई ऊबर में कितना काम है। तो बाकी चलो यार फटाफट चलते हैं यार, कस्टमर को पिक करते हैं। 185 रुपये की राइड है, तो राइड तो मेरे को ठीक लग रही है यार वैसे भी। मैडम बोलिए। हाँ मैम, कोई नहीं, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेढ़ा करूँ गाड़ी, आराम से। मैडम हेलमेट पहन लेना बस, क्योंकि यहाँ से निकलते ही हाँ मेन रोड पे पहन लेना बस, आ ही गए 182। तो भाई साहब हम आ गए हैं पहाड़गंज में, कहीं गलियों में आ गया हूँ यार मैं, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कहाँ हूँ मैं यार। इसके बाद एक और राइड आई थी 60 रुपये की, वो भी एक्सेप्ट कर ली मैंने। मैडम पैसे लेके आए तो फिर मैं निकलूँ यार, और भाई बारिश आने के आसार हो गए हैं। दे देना 182 है। चलो कोई नहीं, आप दे दीजिए। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ से मेन रोड के लिए कहाँ निकलेंगे भैया, जैसे आए थे वैसे। तब पूरे हो गए ना 170 180, भाई 2 रुपये कम ही मिले यार, पूरा आधा घंटा वेट किया मैंने यार, हद है यार, पेमेंट के लिए भी आधा घंटा वेट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब नेक्स्ट कस्टमर भाई, राइड तो आई हुई है, अब देखते हैं इनको लेने जाऊँ क्या, जाना तो पड़ेगा भाई। पिकअप कितनी है, अरे 1.3 किलोमीटर। ये तो बड़ा गलियों में फंसा दिया मेरे को, मुझे पता है भाई ये कस्टमर लेके नहीं जाएंगे, ये कस्टमर तो जा चुके होंगे। एक सेकेंड भाई साहब, ये गलियों का सीन ना यार, लोकेशन तो मेन रोड की थी मैडम की, अब लेके मैडम गलियों में आ गई। भाई साहब एक सेकेंड भैया, कभी कभार ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं यार, पेमेंट में भी इतना वेट। तो भाई साहब जो ऊबर पे नेक्स्ट राइड आई थी, एक्सेप्ट की थी मैंने, वो तो कैंसिल हो गई यार। कस्टमर का कॉल आया, वो भाई पिकअप बहुत लंबी दिखा रहा था ऊबर, मैंने कहा अब इतना नहीं जाऊँगा मैं गलियों से। और सबसे बड़ी बात है इसमें हमें मिले हैं 173 रुपये, और गाड़ी चली है मेरी 18.5 किलोमीटर के लगभग। तो यार ठीक है यार, 2 रुपये तो वैसे ही कम दिए मैडम, तो 170 रुपये मान लो आप, 170 मिल गए। चलो कोई नहीं भाई, अब मैं 2 रुपये के लिए क्या बहस करता है, और 10 रुपये मैंने एक्स्ट्रा आ रहे थे वो भी दे दिए मैंने। मैंने कहा भाई गलत नहीं करना भाई किसी के साथ। चलिए दोस्तों पहाड़गंज है, मैंने ओला भी ऑन कर दिया, ऊबर भी ऑन कर दिया, पोर्टर भी करूँ क्या यार, पोर्टर करने का रिस्क है यहाँ पर, उल्टी सीधी राइडें बजेंगी, पता नहीं कहाँ गलियों में बुला लें। बाकी देखते हैं क्या पता कर भी दूँ, फटाफट यहाँ से निकले हूँ पहले यार मैं, पता नहीं कहाँ गलियों से आ गए भाई। निकल तो इतनी आसानी से गया यार मैं, पता नहीं यार मैडम कहाँ से लेके आई थी गलियों से, इतना घुमा घुमा के। चलो कोई नहीं भाई, फटाफट चलते हैं, वेट करते हैं कोई बढ़िया राइड का, या फिर देखते हैं भाई क्या मिलता है। अरे आ गई 117 रुपये की राइड, कहाँ जाना है भाई, जामिया नगर। चलो भाई मैंने पन्नी डाल ली यार, बरसात का मौसम लग रहा था। हिमांशु जी कहाँ है, ये रेलवे स्टेशन। चलो चलते हैं भाई, 117 रुपये इकट्ठे करते हैं। देखिए भाई यहीं खड़े हैं कस्टमर, आ जाइए भैया। 5963 5963 5963। हाँ हाँ, आपकी लोकेशन के अंदर उस साइड से आ रही थी, मैंने बुक उस तरफ से करी थी, बट उस तरफ खड़ नहीं हो रहा था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं, ये होटल एडमायर इन, चलिए बैठिए। हाँ कोई नहीं, आराम से बैठे। हाँ बस कमा गया तो जिंदगी में, ऑनलाइन कर दो। हाँ ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 105। तो दोस्तों कस्टमर से भाई 105 रुपये कैश कलेक्ट कर लिया, हमें शायद कम मिलेंगे इसमें, 111 रुपये मिले हैं, क्योंकि कस्टमर ने लोकेशन चेंज कर दी थी और डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया था, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, 111 रुपये सही, और क्या होगा, मुझे पता था जब लोकेशन चेंज करेंगे तो पास की लोकेशन हो गई थी। तो चलो यार वेट करें भाई, यहाँ पे मैं ऊबर खोल लेता हूँ, क्या पता कोई लंबी राइड मिल जाए यार। और हम आ गए जामिया नगर, यहाँ मैं पोर्टर भी खोल के देखूँगा, क्या पता कोई बढ़िया राइड मिल जाए पोर्टर पे, बढ़िया मिलेगी तभी एक्सेप्ट करूँगा भाई। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं भाई अपनी नेक्स्ट राइड का। तो दोस्तों अपने को यार यहाँ पे खड़े खड़े ना मुश्किल से 5-10 मिनट हुए होंगे, ओला पे ही राइड मिली है भाई 91 रुपीज़ की,
चनक्यापुरी यार, मैंने कहा सही है यार, चनक्यापुरी पहुंच जाएंगे और क्या होगा, चनक्यापुरी तो जा सकता हूँ भाई मैं, क्या दिक्कत है, यहीं कहीं है कस्टमर भाई। तो भाई साहब कस्टमर की लोकेशन पे आया हूँ यार, मतलब हद है भाई साहब, कस्टमर के फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं है, ऐसे कैसे कस्टमर है भाई। ये देखो एकदम लोकेशन पे हूँ, मतलब भाई बंदा फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं है यार, इनकमिंग कॉल नॉट अवेलेबल ड्यू टू रिचार्ज, अरे यार हद है भाई, भाई रिचार्ज तो रख लो यार कस्टमर, अब क्या हम कराएंगे रिचार्ज आपके फ़ोन में, हद है भाई। भाई साहब यहीं कहीं है कस्टमर, वो खड़े भैया, चलो भाई, इनका यार नंबर तो मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल, इन्हीं का कॉल आया दोबारा, मैं तो कैंसिल कर देता, हद है यार कस्टमर को भी ना, मतलब यार सोचो तो सही भाई, रिचार्ज तो रखो। ये देखो हमारे भैया, अरे भैया आपका नंबर ही नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं कोई बात, ये 4-4-0 3-4-2-0 डन, बैठिए भैया आराम से, हेलमेट पहन लेना बस, करिए। चलो भाई ऊबर बाबा बंद हो जाओ, अब हम ओला को करेंगे। हाँ चलो एक सेकंड रुकिए बस, चलो चलो 11 किलोमीटर है भाई, फटाफट हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप हेलमेट पहनिए आराम से बस, 20 मिनट दिखा रहा है, हाँ 15-20 मिनट तो दिखा रहा है, हाँ 10 किलोमीटर हो गया भाई, 10 किलोमीटर है रास्ता, फटाफट चलते हैं, कस्टमर को ड्रॉप करते हैं और राइड को कंप्लीट करते हैं। भाई साहब ये देखो MG की कॉमेट, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, इलेक्ट्रिक में, ये भी शायद 10 लाख के आसपास की गाड़ी है यार, पर चार बंदे बैठ जाते हैं, पर छोटी लगती है मेरे को, और ये चार्ज भी भाई अपने घर ही होगी भाई सीधा सीधा, उनका कोई फास्ट चार्जर वगैरह तो है नहीं, MG की है, पर बढ़िया गाड़ी, कॉम्पैक्ट गाड़ी है इलेक्ट्रिक में, और पेट्रोल वगैरह तो बच ही रहा है। भाई साहब गाड़ी, अरे वाह, ये देखो जिप वाले भाई को भाई धक्का मार रहे हैं, जिप में यही हाल है भाई। कॉमेट गाड़ी ठीक है, सिंगल डोर है गाड़ी है, मैं इस पर ज़्यादा लगेज के सामान है नहीं शायद, बट यार 10 लाख की में छोटी गाड़ी लेनी अच्छी सही रहेगी क्या, वैसे मैं ले तो नहीं रहा, तुमसे ना हो पाएगा, पर आप बताना एक बार, अगर आपको 10 लाख हो और आपको गाड़ी चूज़ करनी हो तो आप कौन सी चूज़ करोगे, MG कॉमेट इलेक्ट्रिक या फिर कोई और। तो दोस्तों कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया भाई चनक्यापुरी, कस्टमर ठीक ही थे यार, 5 स्टार ही दे दो यार, क्या जा रहा है, मैंने कौन सा दोबारा मिलना है। भाई साहब दो राइड हो गई 200 रुपये की अपनी, इस राइड पे भी 91 या 90 रुपये के आसपास मिल गए, 10 किलोमीटर ही था यार रास्ता, हाँ 90 रुपये मिले भाई, ठीक है यार 9 रुपये किलोमीटर का मिल गया, फटाफट ले आया मैं कस्टमर को। अब ऊबर बाबा हमें कुछ दे दो यार, 25 रुपये लिए तुमने, कुछ तो दोगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे वाह देखो भाई की राइड बज रही है, राइड पे ऑलरेडी है और एक और राइड बज रही है, ये होती है बात, हमें कब मिलेगी राइड, पता नहीं क्या है ऊबर को ओला को, रैपिड ऑन कर लूँ क्या, मैं तो देख रहा हूँ ऊबर पे कोई बढ़िया पैकेज आ रहा है यार, संडे को पैकेज तो मिलते हैं ऊबर पे वैसे, अब मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा यार। तो दोस्तों यहाँ पे खड़े खड़े यार मुश्किल से 3-4 मिनट में ही अपना ऊबर बज गया भाई, और ऊबर इस बार मेरे को ऊबर ने घर भेज दिया भाई जनकपुरी, 118 रुपये की राइड है 14 किलोमीटर की, मैंने कहा वाह भाई सब, कंपनियां चाहती ही नहीं मैं काम करूं भाई, मेरे से कोई दुश्मनी है, कंपनियां चाह ही नहीं रही मैं काम करूं, कभी ओला घर भेज देता कभी ऊबर घर भेज देता है, चलो कोई नहीं यार ये कस्टमर को ड्रॉप करते हैं, अगर वहां से मैं सोच रहा हूं या तो घर जाके भाई चार्ज कर लूंगा स्कूटी, फिर शाम को 2-3 घंटे बाद काम करेंगे आराम से, संडे का दिन है यार, शाम को ओला के फूड ऑर्डर्स ही मिल जाएंगे, और देख लेंगे शाम को भी कितना बढ़िया काम होता है, और क्या टाइम क्या हो रहा है भाई, 1:40 हो रहे हैं, मुश्किल से 2:30-3 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे, तो चलो यार फटाफट कस्टमर को पिक करें, यहीं है कस्टमर कहीं। तो भाई साहब कस्टमर मैम आ गई, देखो मैं लेके भी फीमेल कस्टमर को आया था, लेके जा भी फीमेल कस्टमर को रहा हूँ, है नॉटी हो रहा, चलो यार फटाफट चलें कस्टमर को पिक करें, लीजिए मैम जनकपुरी, OTP लीजिए। तो दोस्तों भाई हमने ऊबर की राइड कंप्लीट की, हम आ चुके हैं जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भाई 2 ट्रिप कर ली मैंने ऊबर की भाई, अब तो मैं सोच रहा हूँ घर चले जाऊँ, पास में है
2:10 हो रहे हैं, 2:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। 2-3 घंटे चार लगाएंगे भाई, 5:30 निकलेंगे घर से, फिर से फिर रात तक करेंगे यार। 286 रुपये की इनकम कर ली हमने। वैसे मैंने पूरे हफ्ते में देखो काम नहीं किया कुछ, पर क्या करें भाई अब। चलो कोई नहीं भाई, चलिए दोस्तों भाई घर ही चलते हैं। यहाँ का कोई लॉन्ग राइड आई तो देखूंगा, वरना मैं घर निकलूंगा, क्योंकि 43% बैटरी है। 3-4% में घर पहुँच जाऊँगा, चार्ज लगाता हूँ, स्कूटी भी चार्ज करता हूँ और खुद भी चार्ज होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों शाम को भाई लगभग टाइम क्या हो गया, 5:23, तो यार भाई 5:30 के आसपास हम लॉग इन आ चुके हैं और हमें ओला पे हमारी पहली राइड मिल चुकी है भाई। और यहीं से उत्तम नगर से कस्टमर को लेके जाना है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। तो मैंने कहा चलो यार फटाफट कस्टमर को बिठा लेते हैं, और क्या करें यार, कोई पार्सल आ ही नहीं रहा था यार। मैंने कहा जिस पे राइड आई है ना, चाहे ओला है चाहे उबर है, उठा लो भाई, राइड छोड़नी नहीं है भाई अपने किसी भी हाल में। 158 की राइड है यार, लगभग 20 किलोमीटर, और पिकअप मात्र 500 मीटर भी नहीं है, तो मना कौन करेगा यार। मैं तो छोड़ूंगा नहीं भाई राइड, दिल आ जाता है ऐसी ऐसी राइडों पे। तो यार इकट्ठे 150-160 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए मेरे को। तो भाई साहब कस्टमर की लोकेशन यार कुछ ज़्यादा ही अलग थी यार, बुकिंग यहाँ से मिलाप नगर साइड से उत्तम नगर, और कस्टमर ने जिसके लिए बुक किया वो बंदा खड़ा है कहाँ पे, पिलर नंबर 701 उत्तम नगर वेस्ट से भी पार। तो मैंने कहा सर जी जो बिल बनेगा उससे 20 रुपये एक्स्ट्रा दे देना मेरे को, और क्या होगा यार। अब राइड कैंसिल करेंगे इतनी बढ़िया सी, तो फिर दर्द तो होगा ना मेरे भाई। तो मैंने कहा भाई ठीक है 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो पहुँच जाते हैं फटाफट, और क्या, कभी कभार तो होता है। तो बढ़िया राइड मिली है, फिर मैं राइड के लिए घूमता रहूँगा इतनी देर तक। चलो भैया तो इससे अच्छा फटाफट यार कस्टमर को पिक करते हैं, पिलर नंबर 701। तो भाई साहब कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया, भैया जा रहे हैं, 20 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिए भाई। पहले मैं ऊबर ऑन कर दूँ, 154 बने भाई, 174 रुपये उन्होंने दे दिए, थोड़ा सा दूर था, कोई नहीं यार भाई। ओला पे 3 राइडें कर ली मैंने सुबह से, सही बताऊँ तो। और देखें 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 इंसेंटिव हमारा नहीं आया, ये देखो कुछ नहीं आना इंसेंटिव मेरा। ऊबर पे भाई वही सुबह की 2 राइडें, मैं सोच रहा हूँ भाई एक दिन सिर्फ और सिर्फ ऊबर की वीडियो बनाऊँ, सिर्फ और सिर्फ ऊबर। यार यहाँ से आ तो गया हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाना कहाँ है मुझे ये भी ना पता। चलो देखते हैं भाई कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, ये रहा मेट्रो स्टेशन शायद, अब देखते हैं फटाफट पहुँचे यार यार कोई बढ़िया सी राइड मिले। मैं कह रहा हूँ सीपी साइड की कहीं की राइड मिले यार, तब मज़ा आएगा। ऐसे मज़ा क्या, कहाँ राइड का, छोटी मोटी राइड मिलती रहे। अरे क्या रस्सी अटक गई भाई, भाई साहब पर टाइम बहुत लग गया यार, आप लगभग लगा लो 5:20 के आसपास निकला था मैं, और टाइम देखो 6:37, 1.5 घंटा लग गया लगभग, 1.5 घंटा भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं कह रहा हूँ कुछ हल्के हल्के कस्टमर मिले यार पहले की तरह, जैसे पहले ही मिल रहे थे हल्के हल्के कस्टमर, सुबह भी हल्के हल्के कस्टमर मिले हैं सारे, अब भी हल्के हल्के मिले यार, पता नहीं इतने भारी भारी कस्टमर क्यों मिलते हैं मेरे को। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, यार देखो काम तो करना ही है भाई, चाहे हल्का हो या भारी, अपना तो अपने ऐपों में तो यही सीन है भाई, हल्का हो या भारी 100 रुपये सवारी, यही चलता है इन ऐप्स में। अरे वाह, चलो भाई पुलिस वाले यहाँ भगा रहे हैं, चलो कोई नहीं देखते हैं भाई कोई बढ़िया सी ट्रिप आए, आई होप कुछ बढ़िया ट्रिप मिले, पार्सल वगैरह की मिले यार, सुबह से एक भी पार्सल नहीं किया यार, मज़ा नहीं आ रहा। तो दोस्तों भाई साहब रैपिडो पे मैं एक राइड लेके आया था सीपी से मालविया नगर, भाई साहब बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब लगा लो कश्मीरी गेट से मैं सीपी आ गया घसीटते हुए, बट कोई राइड नहीं मिली मुझे, राइड ही नहीं थी यार बिल्कुल भी। एक दो राइड आ रही बुराड़ी जाने के लिए, मैंने कहा भाई वहाँ कौन जाएगा, बुराड़ी गया तो ख़त्म का किस्सा। तो दोस्तों यहाँ से भाई मेरे को पार्सल मिल चुका है, और भाई हम जा रहे हैं ओला पे, अरे नहीं मेरा नहीं भाई, वो दूसरे वाले भैया का बज रहा था। ओला पे भाई पार्सल मिला यार बढ़िया सा, राजेंद्र प्लेस जाना है, पर पैसे थोड़े से कम है यार, 20 किलोमीटर का रास्ता है और 148 रुपये पार्सल के और 15 रुपये एक्स्ट्रा, तो लगभग 165 रुपये लगा लो आप यार, 160-165 20 किलोमीटर के। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई 8 रुपये वाला रेट आ रहा है यार, चलो यार फटाफट मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन है भाई, कस्टमर का कॉल भी आ चुका है, कहने को मैंने ऊबर ऑन रखा हुआ है बट ऊबर पे कोई राइड ही नहीं आ रही यार। हाँ भैया, भैया ओला बुक किया है,
ओला बुक किया? हाँ हाँ चले भाई ऊबर ऑफ कर दें। मेडिसिन से भैया? मेडिसिन ओ टी पी हाँ एक उनके पास भी आएगा जो जिनको डिलीवर करूँगा उनका नंबर आ जाएगा। नहीं नंबर तो आ जाएगा, ओटीपी भी आएगा उनके पास, उनको दे देना एक बार। एक मिनट भैया कौन सा 5502 डन ये तो हो गया। हाँ पेमेंट कैसे है, ऑनलाइन है? पेमेंट आपको भैया पेमेंट उनकी हो गई कैसे? ऑनलाइन है कैसे? पेमेंट हो चुकी है पर एक ओटीपी उनके पास आएगा जिनको डिलीवर करूँगा। हम उनको दे देना आप, मैं ये कह रहा हूँ भैया कह रहे हैं एक ओटीपी उनके पास। हाँ तो वो तो आप उनको फोन करोगे तो उनसे ले लोगे ना उनके? नहीं आप दोगे उनको? ठीक है पहुँचोगे मैं। ठीक है आप वहाँ पहुँच के फोन करेंगे? चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया थैंक। तो भाई साहब चलो ये मेडिसिन मिली है यार, सुबह से एक भी पार्सल नहीं मिला, 17 किलोमीटर का यार रास्ता। फटाफट चलते हैं भाई डिलीवर करते हैं इसको। यार सुबह से एक भी पार्सल नहीं किया यार, संडे का दिन था, मैंने कहा पार्सल 17 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो अच्छी बात है यार, 17 किलोमीटर का रास्ता फटाफट पेड है वो भी ऑनलाइन, तो जो भी 160 रुपये के आसपास मिल रहे हैं फटाफट इसको डिलीवर करो यार। भैया जी एक सेकंड मुझे निकलना है, एक सेकंड। चलो भाई ये फ़ायदा है बस एथर के रिवर्स गियर का, एथर क्या है हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में वैसे आजकल तो रिवर्स गियर। भाई साहब ये मज़ा है एथर का। अरे 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 उस साइड से जाना पड़ेगा यार, रॉन्ग साइड थोड़ी जाता, आगे से यूटर्न ही मारता हूँ और क्या। चलो कोई नहीं भाई, ये पटा एक बैग है छोटा सा, थैला ही है मतलब, अब हल्के हल्के में जाएंगे तो सही। हम यूटर्न मार के फटाफट निकलता हूँ यार पार्सल लेके, और क्या पार्सल ले चुके हैं। मैं मेडिसिन देख ली थी यार, पहले देख लिया था कि मेडिसिन की शॉप है, पार्सल हल्का ही होगा। हेलो दोस्तों, तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ अपने घर। भाई साहब अब जो सीन है ना आज का सीन, आज टाइमिंग हमने दिया बट प्रॉपर इनकम नहीं हो पाई। अब क्या था भाई, गलती मेरी थी क्या थी मुझे नहीं पता, बाकी मैं आपको बताता हूँ भाई इनकम क्या हुई। पहले ओला पे हमने काम किया भाई 522 रुपये का टोटल है ये सारा, पार्सल वगैरह का इंसेंटिव मिला के सब कुछ सॉरी। उसके बाद भाई हमने ऊबर पे काम किया 286 रुपये का, और ये हो गया दो ट्रिप की थी मैंने भाई, इसमें 25 रुपये काट ही लेगा ऊबर बाद में। उसके बाद भाई रैपिडो पे मेरे को राजेंद्र प्लेस से आते हुए एक ट्रिप मिल गई थी छोटी सी पालम की, तो वो काम किया हमने 191 रुपीज का, और 20 रुपये एक्स्ट्रा मैंने उस कस्टमर से लिए थे जिन्हें कश्मीरी गेट छोड़ा था। तो यार टोटल हो गए भाई ये लगभग 1000+ के आसपास की अमाउंट हो गई। 25 रुपये माइनस करेंगे हम तो एग्जैक्ट अमाउंट आ रही है 994 रुपये। तो टोटल इनकम अपनी हो रही है 994 रुपये की इनकम हुई है 25 रुपये ऊबर के काटने के बाद, क्योंकि मैंने दोनों टैक्सी की थी तो ऊबर 25 रुपये काटेगा। यार कोई पार्सल मिला नहीं, एक ही पार्सल मिला बस मेरे को ओला का, उसे भी रेट कम था बट मैं ले गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं। वैसे ओला का रेट कहते हैं काफ़ी ज़्यादा आ जाता है पर ज़्यादा आया नहीं यार, एक्स्ट्रा वगैरह मिला के भी 163 रुपये के आसपास आ रहा था, 63-64 रुपये तो नहीं सही था यार। 17 किलोमीटर था भाई, हाँ 17 सॉरी मेरे को मिस्टेक लगी, 17 किलोमीटर का रेट था तो ठीक था रेट, 17 किलोमीटर के 163-64 कोई नुकसान नहीं है यार, बहुत ही बढ़िया रेट मिला। वैसे स्क्रीन शॉट में देखा जाए तो 20 किलोमीटर लिखा आ रहा था बट 17 किलोमीटर था रास्ता, और ओला ने कोई पैसे एक्स्ट्रा काटे नहीं मेरे, तो मेरे को बढ़िया लगा। तो यार ये सीन था भाई आज की इनकम, और यही सबसे बड़ी बात है यार, कभी कभार इनकम ज़्यादा भी हो जाती है कभी कम भी हो जाती है। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने 1500 तक का काम कर लिया, आज भाई 1000 का ही हुआ। तो यार वही बात है भाई, शायद मैं आफ्टरनून में घर नहीं जाता तो हो जाता काम, बट आफ्टरनून में भाई अब घर के पास आ गए हो आप तो आपका मन ही नहीं करेगा भाई जाने का, मेरा तो नहीं करता भाई। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्जिंग के ही पैसे लगेंगे तो मन कर, और खुद को भी रिचार्ज करना है तो मन तो करता है भाई बाहर घर पे चले जाओ। बाकी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते हो भाई ये बताओ मेरे को, कि अगर मान लो आपके पास एथर होती या कोई भी इलेक्ट्रिक होती जिसके चार्जिंग के पैसे लगते हैं और आपको भी खाना खाना है और घर के पास हो आप, तो घर जाओगे या फिर बाहर चार्ज करोगे, बाहर खाना खाओगे, बाहर ही राइड करोगे? तो यार मुझे प्लीज़ बताना यार, क्योंकि मैं हर बार घर के आसपास आता हूँ तो घर आ जाता हूँ। तो जैसा आप लोग कहोगे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो या आने वाली वीडियोज़ में ऐसा ही कुछ करके देखूँ, क्योंकि यार घर की राइड तो मिल ही जाती है यार मुझे कहीं ना कहीं, उत्तम नगर के आसपास की राइड, द्वारका के आसपास की राइड कहीं ना कहीं मेरे को मिल ही जाती है, तो यार फिर मन कर जाता घर आने का। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी यार देखो डेली 1500 इनकम नहीं हो सकती, एक भाई ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि भाई डेली 1500 इनकम करके दिखाओ,
1500 के आसपास कर सकते हो आप, अगर आपको पार्सल पार्सल मिले। आज आपने देखा मुझे पार्सल नहीं मिले और मैं घर से निकला भी यार लेट ही था, 11 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे तो निकला था मैं। तो यार अगर आप डेली टाइम दोगे ना तो 1000+ इनकम आप कर लोगे, पर प्रॉपर आपको डेली टाइम देना पड़ेगा इस काम को। मैं डेली टाइम नहीं दे पाता भाई, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, सब कुछ करना, आपको टाइम पे वीडियो भी डिलीवर करनी है और भी यार सारी चीज़ें, फेसबुक पे भी अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करना है। तो भाई अब ये आप डेली अगर टाइम दोगे, अगर आप सुबह निकल रहे हो ना, चाहे एथर है आपके पास चाहे ओला है, तो एथर ओला ही है वैसे मेन तो देखा जाए तो अगर आप डेली टाइम दे रहे हो तो भाई आप कर सकते हो ईवी से। ये नहीं कि भाई आप नहीं कर सकते या 200-300 रुपये इनकम, हाँ कुछ दिन जाएंगे भाई, फिक्स नहीं कह सकता मैं कि फिक्स इनकम है इस काम में, फिक्स कुछ भी नहीं है। कभी कभार तो दिमाग इतना खराब हो जाता ना भाई कि ऐसी जगह भेज देती है और राइड ना उठाओ, कई बार हम गलती से राइड उठा लेते हैं और हम पहुंच भी जाते हैं। जैसे गलती गलती कई बार आप समझो राजीव चौक है, आप राजीव चौक समझोगे सीपी का, पर वो निकलेगा गुड़गांव का, तो भाई कुछ भी नहीं करते। कई बार बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, मेरे से भी हुई है भाई बहुत बार गलतियां हुई हैं। तो भाई यही है इस लाइन की कहानी, इस लाइन में फिक्स कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, अगर आपके पास ईवी है आपका पेट्रोल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप कहीं गलत पहुंच भी जाओगे, मान लो आपको 15-20 किलोमीटर खाली आना भी पड़ गया, तो आपको दर्द नहीं होगा सबसे बड़ी बात, कि यार कोई नहीं भाई एडजस्ट कर सकते हैं एक दिन, और क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लोगे, तो यही होगा इसका लाइन में। बाकी पेट्रोल तो भाई आप वैसे ही गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, बाकी चल तो रहे हैं भाई, आपको पता ही है जुगाड़ से सब कुछ चल ही रहा है आजकल, बस भाई ये पेट्रोल उसमें खर्च हो रहा है। आई नो उसमें मेंटेनेंस भी लग रही है, पेट्रोल भी लग रहा है, इसमें बड़ा खर्चा आएगा बैटरी का, जो लोग कहते हैं ना कि ईवी बैटरी का बड़ा खर्चा आएगा, भाई पर पेट्रोल कितना बच रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने एथर से कितनी सेविंग कर ली है अभी तक पेट्रोल की, और या फिर कितने तक का काम कर लिया मैंने आज तक, अगर आप चाहते हो कि ये सब मैं दिखाऊं, तो प्लीज कमेंट करके बताओ मेरे को भाई। क्या पता मैं आने वाली 3-4 वीडियोस के बाद ये चीज दिखाऊं आपको, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इस पे कि भाई मैंने एथर से ईवी चला चला के 1.5 साल में कितनी सेविंग्स करी हैं, कितने का पेट्रोल बचाया है, कितने का कितनी मेरी कॉस्टिंग लगी है, कितना मैंने सर्विस के लिए दिया है और कितने का मैंने काम किया अप्रॉक्स। तो अगर आप चाहते हो ये सब मैं आपको बताऊं, तो प्लीज मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना भाई। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और भाई जो भाई पुराने हैं ना देखते रहना, ईवी से रिलेटेड ना बहुत वीडियो आएंगे अभी मेरे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।